मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। आज प्रकाशित वाक्य के बारे में देखेंगे कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिसका वचन पूर्व काल में पूरा हुआ और इसकी पूर्ति कलीसिया के इतिहास में पूरी होती रही है और अंत में कलीसिया स्वर्ग में होगी। परंतु वहाँ वह कलीसिया नहीं, प्रभु यीशु की दुल्हन होगी। और जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब उसके साथ आएगी। शैतान बांध दिया जाएगा, परंतु 1000 वर्ष बाद फिर से छोड़ा जाएगा। उसके बाद विद्रोह का सदा के लिए दमन किया जाएगा और अनंतकालीन युग का आरंभ होगा। मेरे मित्रों, आइए हम अब आगे बढ़ेंगे और इस समय हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 19 पद में, जिसे हम पिछले अध्याय में देख रहे थे। उसमें तीसरी बात कही गई थी कि प्रभु यीशु कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अध्याय 5 में हम देखते हैं कि पुस्तक खोलने योग्य प्रभु यीशु को छोड़ और कोई योग्य नहीं पाया गया है। अध्याय 9 से 22 भविष्य से संबंधित हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा, जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। इसके बाद एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। किसके बाद? कलीसिया के बाद। अतः अध्याय 4 से 22 की घटनाएं उस समय की हैं जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। आज की भ्रमित शिक्षा इस भाग की घटनाओं को वर्णन करने में और वर्तमान के साथ जोड़ती है। आज के विचित्र एवं तर्क रहित व्याख्याओं का कारण भी यही है। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना की बात क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं समझते? वह हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य की जानकारी देता है। वह जब इसके बाद की घटनाएं सुनाएगा, तब हमें जानकारी देगा। आप इसे चूक नहीं सकते जब तक कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से असंगत व्याख्याएं न सुने। आप निम्नलिखित रूपरेखा में देखेंगे कि मैंने यूहन्ना द्वारा दिए गए विभाजन को व्यक्त किया है, पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहली बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व। महिमामय मसीह अध्याय 1 में है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की संपदा, पृथ्वी पर कलीसिया उसकी है, अध्याय 2 और 3। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की योजना जैसा स्वर्ग में दिखाया गया है, अध्याय 4 से 22 तक। मेरे प्रियो, अंतिम भाग इस पृथ्वी का सब बातों की पूर्ति को दर्शाता है। इसी कारण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी महान एवं महिमामय है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रथम भाग में हम प्रभु यीशु को उसकी महिमा और उसके अधिकार में देखते हैं जो अपनी कलीसिया का कर्ता धरता है। हम देखेंगे कि सारा अधिकार उसके हाथ में है। सुसमाचार वृत्तांतों में हम उसे विनम्र, दीन और उदार देखते हैं। वह अपने बैरियों के अधीन होकर क्रूस पर मारा गया। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम उसका एक सर्वथा भिन्न चित्रण देखेंगे। यहाँ संपूर्ण अधिकार उसके हाथ में है, यद्यपि वह अब भी परमेश्वर का मेमना है। उसका अर्थात मेमने का क्रोध प्रकट किया गया है, जिससे पृथ्वी कांप उठती है। वह क्रोध प्रकट करता है तो पृथ्वी पर दंड आता है। प्रभु यीशु का मनुष्यत्व इस पुस्तक का विषय है। जब स्वर्ग का दृश्य आता है, तब भी वह वहाँ है जिसके हाथ में संपूर्ण अधिकार है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ही नहीं, संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मुख्य विषय है। धर्मशास्त्र परमेश्वर केंद्रित और मसीह केंद्रित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है।
वह परमेश्वर के वचन के संपूर्ण क्षेत्र और उसके छाया हुए वचन पर प्रकट करता है, क्योंकि यही बात हर एक स्थान पर हमें प्राप्त होती है। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सुसमाचारों से भी अधिक बाइबल पूरी की पूरी ही हमें बताती है कि उसने क्या किया, वह क्या कर रहा है और क्या करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी हमें बताती है कि उसने क्या किया और वह क्या करेगा। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक धार्मिकता के पुत्र के उदय होने की चर्चा करते हुए समाप्त होती है। इसमें श्रापित पृथ्वी के लिए आशा व्यक्त की गई है और यह आशा प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ज्योतिर्मय भोर के सितारे के साथ अर्थात प्रभु यीशु के साथ अंत होती है, जो अपनी कलीसिया को इस पृथ्वी पर से उठा ले जाने के लिए पुनः आएगा। कलीसिया का उठाया जाना नए नियम की आशा है, जिस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना पुराने नियम की आशा थी और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मसीह यीशु के प्रकट होने को पूरा करती है। मेरे प्रियो, यह भी ध्यान दें कि उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में गठबंधन है। पहली और अंतिम पुस्तक में उत्पत्ति आरंभ की चर्चा करती है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंत की चर्चा करती है। इन दोनों पुस्तकों में दृश्यों में विभिन्नता देखें। उत्पत्ति में पृथ्वी की रचना की गई और प्रकाशित वाक्य में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। उत्पत्ति में शैतान का पहला विद्रोह है, प्रकाशित वाक्य में शैतान का अंतिम विद्रोह है। उत्पत्ति में सूर्य चांद तारे पृथ्वी का प्रबंध थे, प्रकाशित वाक्य में आकाशीय पिंड पृथ्वी के दंड का साधन होंगे। उत्पत्ति में सूर्य दिन में उजाला देने के लिए था, परंतु प्रकाशित वाक्य में सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी। उत्पत्ति में अंधियारे को रात कहा गया था, प्रकाशित वाक्य में अंधियारा नहीं है। 21 अध्याय के 25 पद और 22 अध्याय के 5 पद में उत्पत्ति में जल को समुद्र कहा गया है, प्रकाशित वाक्य में समुद्र नहीं है। उत्पत्ति में पाप आता है, प्रकाशित वाक्य में पाप जाता है। उत्पत्ति में शाप दिया गया था, प्रकाशित वाक्य में शाप हटाया गया है। उत्पत्ति में मृत्यु आई, प्रकाशित वाक्य में मृत्यु नहीं है। उत्पत्ति में दुखों और कष्टों का आरंभ हुआ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में न तो दुख होगा न आंसू। उत्पत्ति में पहले आदम का विवाह है, प्रकाशित वाक्य में अंतिम आदम का विवाह है। उत्पत्ति में मनुष्य का नगर बेबीलोन बन रहा है, प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन का विनाश और यरूशलेम का प्रकट होना है। उत्पत्ति में शैतान के नाश की भविष्यवाणी है, प्रकाशित वाक्य में शैतान का विनाश पूरा होता है। उत्पत्ति वैश्विक ही नहीं ब्रह्मांड के परिदृश्य के साथ बाइबल का आरंभ करती है। उत्पत्ति 1 उसके 1 पद में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बाइबल एक ब्रह्मांड संबंधित परिदृश्य से समाप्त होती है। प्रकाशित वाक्य दर्शाती है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि और प्राणियों के साथ क्या करेगा। ऐसी अन्य कोई पुस्तक नहीं है। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है प्रभु यीशु का व्यक्तित्व है। इस पुस्तक के पहले भाग में हम प्रभु यीशु को देखते हैं। हम उसे महिमा में और कलीसिया का महान महायाजक देखते हैं। उसके हाथ में संपूर्ण अधिकार है। सुसमाचार वृतांतों में तो वह दीन हीन विनम्र और क्रूस पर मरता हुआ दिखाया गया है। उसने उस समय अपने आप को बैरियों के अधीन कर दिया था, परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह ऐसा नहीं है। यहाँ उसके हाथ में संपूर्ण अधिकार है। जी हाँ, वह अब भी परमेश्वर का मेमना है, परंतु हम उसका क्रोध भी देखते हैं, जिससे पृथ्वी कांप उठती है। संपूर्ण बाइबल का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह। धर्मशास्त्र परमेश्वर केंद्रित और मसीह केंद्रित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है।
वह परमेश्वर के संपूर्ण वचन के परिदृश्य पर छाया हुआ है। बाइबल की किसी भी पुस्तक की तुलना में हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसे सबसे अधिक ध्यान में रखना है, सुसमाचार की पुस्तकों से भी अधिक। बाइबल हमें बताती है कि उसने क्या किया है और क्या कर रहा है और क्या करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि वह क्या कर रहा है और क्या करेगा। हमें यह मन में बसा लेना है। तो आइए हम देखेंगे पुस्तक का शीर्षक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मेरे प्रियो, मैं अपनी पुस्तकों में बाइबल का अपना अनुवाद करता हूँ, इसलिए नहीं कि वह अच्छा है, परंतु इसलिए कि यूनानी शब्दों के मूल अर्थ को काम में लूँ और आज की भाषा में ग्रहण योग्य बनाऊँ। इस पद के मेरे अनुवाद में मात्र अंतर यह है, अपने बंधुआ दासों को वे बातें बताए जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है, और उसने अपने स्वर्गदूत अर्थात संदेशवाहक को भेजकर अपने दास यूहन्ना को उनका चिन्ह देकर बताया। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि इस पुस्तक का शीर्षक एक वचन में है, बहुवचन में नहीं है। एक बार एक सेवानिवृत्त पास्टर ने आकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की मेरी व्याख्या पर कटाक्ष दिया, आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि प्रकाशित वाक्य बहुवचन में है। मैंने कहा, भाई आपका कहना एकदम सच है कि मुझे प्रकाशित वाक्य का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, मैंने तो उस पुस्तक को देखा भी नहीं है। वह चकित हुआ और अपने ही अज्ञान के कारण लज्जित भी हुआ जब उसे यह समझ में आया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक प्रकाशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में यूहन्ना को निर्देश दिया गया है। 22 अध्याय के 10 पद में लिखा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। अतः यह पुस्तक बंद नहीं है, यह पुस्तक हमारे लिए खुली हुई है, इसलिए इसका इसे समझने में कठिनाई नहीं है। यह पुस्तक दानियल की पुस्तक के समान बंद नहीं है। दानियल को निर्देश दिया गया था कि वह पुस्तक पर मुहर लगा दे। हमारे प्रभु यीशु ने भी दृष्टांत सुनाए जिनका अर्थ आज भी गोपनीय है। प्रभु यीशु ने कहा था मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। अतः आप देख सकते हैं मेरे प्रियों, सुसमाचार की पुस्तकों में आधी ही कहानी है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें इसकी परिपूर्ति है। परंतु इसे समझना तब ही संभव है जब परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर्दा उठा देती है कि हम प्रभु यीशु का प्रत्यक्ष सौंदर्य देख पाएं, उसका सामर्थ्य उसकी महिमा देख पाएं। यह पुस्तक भेद एवं गोपनीयता के विपरीत है, यह पुस्तक भेदों का प्रकाशन है। अगले पद में इसे भविष्यवाणी कहा गया है जिसे हम देखने जा रहे हैं। यदि कोई मसीही जन कहे कि वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ नहीं पाता है तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि यह पुस्तक हमें दी गई है कि हम परमेश्वर के राज्य के भेद को समझ पाएं। आगे लिखा है, दिखाई अर्थात शब्दों, चिन्हों और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तियों द्वारा, कहता है अपने स्वर्गदूत को भेजकर बताया, अर्थात उसने चिन्हों का प्रयोग किया।
स्मरण रखें कि ये चिन्ह वास्तविकता के द्योतक हैं। पत्रस ने भविष्यवाणी की व्याख्या का एक महान सिद्धांत हमें बताया है, दूसरा पत्रस की पत्री इसके एक अध्याय के 20 पद में। पर पहले यह जान लो कि कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, अर्थात आप किसी एक पद को लेकर उसकी अलग से व्याख्या नहीं कर सकते। आपको संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में उसकी व्याख्या करना है। किसी महान विचारक ने कहा है कि प्रकाशित वाक्य की प्रतीकात्मक भाषा तथ्यों का प्रकटीकरण है। आगे हम पढ़ते हैं, वे बातें जिनका शीघ्र होना दिखाए। इसका अर्थ है कि यूहन्ना जो कहता है वह कल्पना या स्वप्न नहीं है। इस पुस्तक में तथ्य प्रकट किए गए हैं। ये बातें क्या हैं? एक बार हम अपने बच्चे को संभाल रहे थे। हमने उसके खिलौने एक छोटे कमरे में रखे हुए थे। वह अपने खिलौने को अपनी वस्तुएं कहता है। उसने क्या किया कि सब खिलौने फर्श पर फैला दिए और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। जब मैं उस कमरे में गया तब एक खिलौने अर्थात उसकी वस्तु पर पांव पड़ा और मैं फिसलकर गिर पड़ा। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य की किसी भी बात पर हमें फिसलकर नहीं गिरना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वे वास्तविक हैं, केवल चिन्ह नहीं हैं। यूहन्ना जब भी किसी चिन्ह का प्रयोग करता है वह स्पष्ट करता है कि वह चिन्ह का प्रयोग करता है और वह क्या है, और निश्चित जान सकते हैं कि वह चिन्ह का प्रयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता चिन्ह से बढ़कर है। और सच तो यह है कि चिन्ह वास्तविकता का एक अच्छा द्योतक नहीं होता है। तब आगे कहता है अवश्य है। वह कहता है कि उन बातों का शीघ्र होना आवश्यक है। इसके द्वारा आपातकालीन आवश्यकता और निश्चितता प्रकट है। शीघ्र, इसका अभिप्राय है कि हम इसे अति महत्वपूर्ण समझें। यह शब्द धर्मशास्त्र में कई बार आता है, जैसे लुकरची सुसमाचार 18 अध्याय के 8 पद में, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। यहाँ शब्द तुरंत का आना हुआ है, अर्थात शीघ्र ही। कहने का अर्थ यह है कि जब न्याय किया जाएगा तब पल भर की भी देरी न होगी। इससे प्रकट है कि प्रभु शीघ्र नहीं आएगा, परंतु सब कुछ उसके समय के अनुसार होगा, अर्थात जब वह आएगा तब इन बातों के होने में देर नहीं होगी। उसका न्याय अति शीघ्र होगा। यूहन्ना कहता है कि यह प्रभु यीशु का प्रकाशन है जो उसे दिया गया था। अब इस प्रकाशन के चरण को देखें। मैं आपके सामने रखता हूं प्रकाशन के चरण। पहला परमेश्वर, तब प्रभु यीशु, तब स्वर्गदूत, तब यूहन्ना और तब सेवक। इसका आरंभ परमेश्वर से है और प्रभु यीशु को दिया गया था, और प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गदूत को दिया और उसने यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना द्वारा प्रभु के सेवकों तक जाता है कि वे होने वाली घटनाओं को जान लें। इसी प्रकार यह प्रकाशन आप तक और मेरे तक अर्थात हम सब तक पहुंचता है। प्रसंगवश एक प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रचारक साहब आप तो स्वर्गदूतों को कलीसिया से संबंधित न कहकर एक ओर हो गए। मैं तो आज भी यही कहता हूँ, यूहन्ना स्वर्गीय संदेश वाहक को स्वर्गदूत कहता है, परंतु ध्यान रखें कि यूहन्ना मुख्यतः भावी घटनाओं के बारे में लिख रहा है, अर्थात प्रभु यीशु भविष्य में क्या करेगा। मेरे मित्रों, अध्याय 4 के आगे सब कुछ भविष्य संबंधित है और इस पृथ्वी से कलीसिया के चले जाने के बाद पूरी होंगी। अतः हम स्वर्गदूतों के काम को देखते हैं, या इस पुस्तक के विचारों की प्रगति के विषय भी सत्य है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 1 अध्याय के 2 पद को। लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। कहता है जिसने उसकी गवाही दी,
मूल भाषा यूनानी में इसका अभिप्राय है कि यूहन्ना स्वयं को अपने पाठकों के साथ रखकर लिख रहा है, जैसे कि मानो उसने जो लिखा है उसे पढ़ रहा हो। परमेश्वर के वचन, यहाँ मेरे विचार में परमेश्वर के वचन का अभिप्राय पुस्तक के विषय वस्तु तथा प्रभु यीशु दोनों से है। वह जीवित वचन है और जब लिखित वचन हम पर प्रभु यीशु को प्रकट करता है तो वह जीवित वचन है, आप यह निश्चित जान लें। लिखा है और यीशु मसीह की गवाही। यूहन्ना के लेखों में गवाही शब्द 90 बार आया है और उसके सुसमाचार में ही 50 बार आया है। आगे कहता है जो कुछ उसने देखा था, वह दर्शन का प्रत्यक्ष गवाह था। उसने कुछ देखा उसे वह इस प्रकार से व्यक्त करता है कि हमें प्रकाशित वाक्य एक टीवी सा दिखाई देता है और इस टीवी को आप ध्यान से देखें तो उचित होगा। यह दर्शन स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, जो स्वर्गदूत ने लाकर यूहन्ना को दिया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा उसे लिख दिया। यूहन्ना ने सुना और देखा भी, ये हमारी जानकारियों के दो साधन हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यूहन्ना को इन बातों की कुछ गंध भी अवश्य आई होगी, क्योंकि इस पुस्तक की कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे गंध भी उठती है। हम आगे देखते हैं बाइबल अध्ययन की धन्यवादियाँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, यह पद हमें बाइबल अध्ययन की धन्यवादियां प्रदान करती है। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 7 धन्यवादियों में से एक है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, इसका अर्थ है पाठक या कलीसिया या शिक्षक। इस पुस्तक के पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों ही धन्य हैं और पाठक एवं श्रोता दोनों ही को इस पुस्तक की बातों को मन में बसा लेना है। पढ़ने, सुनने और मानने से 3 गुना आशीष प्राप्त होती है, यह मेरा विश्वास है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने वालों को विशेष आशीष मिलती है। मैं इसे मानता हूं क्योंकि यह यूहन्ना कहता है क्योंकि संकट निकट है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई बातें हमारे युग में पूरी हो रही हैं, परंतु इसका यह अर्थ तो निश्चित है कि पेंतिकोस के दिन कलीसिया का आरंभ प्रभु यीशु की इस स्वर्गिक सेवा के कार्य के द्वारा आरंभ हो चुकी है। हम इस अध्याय में उसका दर्शन देखेंगे। यह दर्शन महिमामय प्रभु यीशु का है। तदुपरांत हम देखेंगे कि उसकी सेवा क्या है और यह हमें सीधा भविष्य में ले जाएगा।